Bismillahirrahmanirrahim. Assalam-O-Aleikum and Welcome to Tech Urdu. Guys, Google AdSense काफी change हो चुका है. काफी सारे नए features इसमें आए, काफी सारे improvements आए हैं और बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. तो आज की इस video में मैं आपको बताने जा रहा हूँ Google AdSense का the ultimate review. अगर आप एक new user है या Google AdSense को आप regularly use करते हैं, लेकिन I'm sure आपको मैं कुछ ऐसे चीजें tips बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे. मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे Tech Urdu. Let's take it. So as I said earlier, this video is equally important for all those who are new to Google AdSense or वो जो कि काफी टाइम से Google AdSense को यूज कर रहे हैं. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास होम स्क्रीन है. होम स्क्रीन पे आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि आज की आपकी अर्निंग कितनी है, यस्टरडे कितनी थी, लास्ट सेवन डेज कितनी थी, दिस मंथ कितनी है, बैलेंस आपके पास कितना है, इस महीने का बैलेंस कितना है, लास्ट जो आपने पेमेंट ली थी, जो Google AdSense ने आपने ड्रा की थी, वो आपकी पेमेंट कितनी है और कंपेरिजन हो रहा है कि पिछले साल से कितना ये ज्यादा है, कितना कम, एटसेट्रा. जब थोड़ा सा जो मेन होम स्क्रीन है यहाँ पे आपको बिल्कुल एक लेआउट से मिलेगा नॉर्मल से, जो कुछ चीजें हैं आपके पास, परफॉर्मेंस आपको बता देगा कि लास्ट सेवन डेज वर्सेस प्रीवियस सेवन डेज कितना है, परसेंटेज में आपको बता देगा कम है, ज्यादा है वगैरह है, सीपीसी कितना है, सीटीआर कितना है वगैरह वगैरह. ये तो बेसिक सा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीजें हैं, किस तरह काम करते हैं. लेकिन हम चलते हैं इसके डिटेल्स में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एड्स के टैब से. अब यहाँ पे जो अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो एड्स का ऑप्शन मिलेगा. ऑटो एड्स में ये है कि अभी गूगल एडसेंस ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, खासकर ब्लॉग्स या फिर वेबसाइट्स के लिए. उसमें यह है कि आप ऑटो एड्स को सेटअप करते हैं, कोड होता है यहाँ से कॉपी करते हैं, हेडर जो टैग होता है वहाँ पे आपको पेस्ट करते हैं. फिर इसमें ये होता है कि जो आपके पास गूगल एडसेंस के एड्स होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके ब्लॉग में नज़र आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं, हर तरफ आपको नज़र आते हैं. आपको एड्स सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये मतलब एक ऑटो एड्स का ऑप्शन होता है आपके पास. उसके बाद अगर हम एड यूनिट्स की बात करें, ये काफ़ी पुराना फीचर है गूगल एडसेंस में. उसमें यह है कि आप एड्स जनरेट करते हैं, न्यू एड्स बनाते हैं, फिर इन एड्स को अपने वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों पर राइट साइड बार पे शो करते हैं, हेडर में शो करते हैं, फुटर में शो करते हैं. साथ साथ मैं आपको एक मैं वेबसाइट पे अपने दिखाता हूँ आपको. अब ये जो एड है, ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये एड यूनिट है, ये ऑटो एड नहीं है, ये एड यूनिट जो कि हमने लगाए हुए हैं. लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो कुछ एड्स ऐसे होते हैं, जैसे आई थिंक ये है कि ये ऑटो एड है, ये मैंने नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, ये तो मैच्ड कॉन्टेंट है, ये आगे आएगा हमारे पास. खासकर पोस्ट जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं ऑटो एड्स. तो ये एड्स यूनिट्स की हमने बात की. एड्स यूनिट्स है, आपको पता है कि यहाँ पे एड्स यूनिट्स बनाते हैं, फिर कोड होता है, कोड को जाके आप एचटीएमएल में पेस्ट करते हैं एंड इस तरह आप एड देख सकते हैं. मैं वीडियो को थोड़ा सा इसलिए फास्ट टाइप बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई स्टेप में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं आती है वो मुझे बता दे. इसमें जो नए फीचर्स है उन पर मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा. ये काफ़ी सारे पुराने फीचर्स है, ये ऑलमोस्ट सबको आते हैं. एड बैलेंस की बात करें अगर यहाँ पे, उसमें यह है कि एड बैलेंस ये शायद आपके लिए नया हो. अब ये होता है कि आपने नोट किया है कि जिन वेबसाइट्स पे आपको एड्स ज्यादा नजर आते हैं वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है. और उसमें ये होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो आपके तंग होते हैं कि यार क्या है, हर तरफ एड, ऊपर से भी एड, नीचे से भी एड, दाएं से बाएं से पोस्ट्स में 5-6 एड्स डाले हैं. तो जो विजिटर एक्सपीरियंस होता है वो खराब होता है. आपने क्या करना है, यहाँ पे ये एक स्लाइडर टाइप बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइडर है. इसमें यह है कि आपने क्या करना है कि इसमें ये एक एक्सपेरिमेंटल है, ये देख सकते हैं सेटअप इन एक्सपेरिमेंट. आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये करेंगे कि आप यहाँ से ये जो एड रेट्स है, एड्स है मतलब, आप यहाँ से इसको कम करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है. इसमें यह है कि जो एड्स है वो कम डिस्प्ले होंगे आपके वेबसाइट पर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 50% रखते हैं. अब यह है कि अगर मेरे तो वेबसाइट पर खैर आपको ज़्यादा एड्स नज़र नहीं आएंगे, ये देखिए ये एक ऐड है और बाकी ये दो ऐड है, इसी तरह ये 5-6 एड्स हैं जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड है. अगर जिन साइट्स पे ज़्यादा एड्स है, अगर आपके साइट पे या ब्लॉग पे ज़्यादा एड्स है, देन आपको एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करना चाहिए. अगर आपने 10 एड्स लगाए तो आप यहाँ पे लेंगे 50% पे, तो 5 एड्स डिस्प्ले होंगे. उसके बाद आप यहाँ पे सेटअप इन एक्सपेरिमेंट करेंगे. अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो इफेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा और फिर ये है कि आपके एड्स कम होना शुरू हो जाएंगे. इनका ये कहना होता है कि अगर एड्स आपके ये कम होंगे तो फिर जो व्यूअर है उसका फोकस ज़्यादा होगा और आपकी जो वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा, वो आपको टाइम ज़्यादा देगा. इस तरह अल्टीमेटली एक रेवेन्यू भी आपका ज़्यादा होगा. ज़्यादा एड्स लगाने का मतलब नहीं है कि मोर रेवेन्यू, मोर व्यूअर्स, मोर गुड एक्सपीरियंस ऑफ व्यूअर, उसके बाद ही आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है. आप यहाँ से एक्सपेरिमेंट करें, कुछ टाइम के बाद आप चेक करेंगे कि अगर आपने 50% एड्स कम किए हैं तो क्या आपको अर्निंग ज़्यादा मिली है या कम मिली है.
अगर आपको अर्निंग ज़्यादा मिली है तो आप इसको अप्लाई करें, अगर आपको अर्निंग कम मिली है तो आप दोबारा से अपने एड्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज एड बैलेंस। कस्टम चैनल की बात करते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टम चैनल का मतलब ये होता है कि आप एक एड टाइप बनाते हैं, उस एड को आप क्या करते हैं अपने सारे ब्लॉग्स पे लगाते हैं, दो ब्लॉग है तीन ब्लॉग है जितने भी है आप उन सब पे लगाते हैं, एक नॉर्म कॉमन सा जो एड टाइप होता है वो आप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये टैग अंडरस्कोर ब्लॉग, ये जो एड यूनिट है उसका नाम है एड यूनिट, उसको क्या किया है ये मैंने किया हुआ है और इसको मैंने अपने सारे ब्लॉग्स पे लगाया हुआ है। करते किस तरह है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने कहा था ना कि एडसेंस में काफ़ी सारे नए चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है। ये सारे करने के बाद आप अपने रेवेन्यू को देखेंगे कि बूस्ट अप हो जाएगा आपका रेवेन्यू। वेल, हम यहाँ से न्यू कस्टम चैनल करते हैं, यहाँ से आप नेम उसको देंगे, ठीक है, जो भी आप उसका नाम दें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ से ऐड टाइप सेलेक्ट करें जो अगर आपके पहले से बने हुए हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई साइज वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी सिलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ सी एस एस साइड बार, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ऐड, ऐड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे है टारगेटिंग, टारगेट कहाँ पे करना है इसको, तो शो दिस कस्टम चैनल टू एडवर्टाइजर एज अ टारगेटेबल एड प्लेसमेंट। जब आप इसको इनेबल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको इनेबल करेंगे इसका मतलब ये होगा कि जो एडवर्टाइजर्स है उसको भी आपका ये ऐड नज़र आएगा कि भाई इस बंदे का इस साइज का इतने बाय इतने का या रिस्पॉन्सिव एक ऐड है, उनको भी नज़र आएगा, उनको अट्रैक्ट किया, उसकी प्लेसमेंट यानी कि जहाँ पर रखा हुआ है जो भी है वो सारे उनको नज़र आएगा, तो उससे ये है कि वो अट्रैक्ट हो सकते हैं यार ये सही जगह है। मैं मिसाल दूं आपको, फॉर एग्जांपल एक ऐड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक ऐड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक मैंने यहाँ पे लगाया और एक बिल्कुल नीचे। अब एक एडवर्टाइज़र को कौन सा ऐड ज़्यादा पसंद आएगा, या तो ये पसंद आएगा या ये पसंद आएगा कि टॉप में है, हम देखेंगे उसको, उस पर ज़्यादा चांसेस है क्लिक्स के और लोग ज़्यादा देख सकते हैं। तो फिर ये इसका मतलब यही होता है कि जब आप इसको यहाँ से सेट करते हैं तो वो फिर एडवर्टाइज़र को पता चलेगा कि ये ऐड कहाँ पर है, किस पोजिशन में, उससे फिर वो आपके जो ऐड है उस पर बिडिंग ज़्यादा कर सकते हैं। समझ नहीं है पूछ लेना। अब नेक्स्ट है ऐड लोकेशन। ऐड लोकेशन में ये है कि कहाँ पे एड्स की लोकेशन है, मल्टीपल लोकेशन है, बॉटम राइट है, जो भी है आप यहाँ से वो लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि डिस्क्रिप्शन, अगर आपने थोड़ा बहुत लिखना है उसके बारे में कि रिस्पॉन्सिव है वगैरह है, इंप्रेशन जितने वगैरह, ये सारे करने के बाद यहाँ से फिर इसको हम नीचे से आके हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा जंजाल उठाना है कि एडवर्टाइजर वाला टॉपिक यहाँ पे ना हो तो हम सिंपल यहाँ से डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज जो सारी डिटेल देने के बाद भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे जो टू कस्टम चैनल्स मैंने बनाए हैं अब तक, टोटल मेरे पास गुंजाइश है 500 की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यू आर एल चैनल्स, एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके जो वेबसाइट्स हैं वो कौन से है। अच्छा, ये एक जहन में रखें, आपका अगर कोई वेबसाइट है और ये है कि वो आप ऐड करना चाहते हैं कि वो गूगल एडसेंस पे ऐड हो, तो पहले आपने यहाँ से इसको ऐड करना होता है। आप डायरेक्ट एड्स वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, पहले वेबसाइट को वहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद जब उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा यानी कि वो व्यू होने के बाद एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप उस पर एड्स डिस्प्ले करेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे धड़ाधड़ एड्स लगाते हैं, उसके बाद ये होता है कि एड्स होते हैं एडवर्टाइजर जो गूगल का हिसाब किताब होता है, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते बिकॉज हमने यहाँ पे अपना यूआरएल ऐड ही नहीं किया, अपने चैनल को हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया। अब ये देख सकते हैं मेरे साइट से मैंने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे नीचे से आप उसका व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं और स्टेटस इनका क्या नज़र आ रहा है, आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। आपने सिंपल यहाँ से न्यू यूआरएल ऐड करना है, जो नॉर्मल आप यूआरएल ऐड करते हैं, उसके बाद एक है दो है जितने भी है आप सारे ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से ऐड यूआरएल्स करेंगे, अगेन आपके पास 500 की गुंजाइश है। ऐड स्टाइल की बात करते हैं यहाँ पे, ये जो शुरू में आप कोड लेते हैं उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि आप अपना ऐड स्टाइल चेंज करें या चूज करें, तो आप अगर करना चाहे ठीक है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पे ही ठीक रहता है। लोग ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने वेबसाइट्स पे वगैरह पे, मैं ज़्यादा इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। अदर प्रोडक्ट्स, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अदर प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे, ये स्टेप गौर से सुना है आपने, आई रिपीट गौर से, आप नॉर्मली जब अदर प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे एडसेंस पे तो आपको यहाँ पे एक कोड वाला ऑप्शन मिलेगा, मे बी आपको भी इस वक्त मिल रहा है अगर आप साथ साथ ही चेक कर रहे हैं, आपको कोड का एक ऑप्शन मिलेगा कि कोड आप कॉपी करेंगे जाके आप अपने हेडर में पेस्ट करेंगे, फिर आपका साइट रिव्यू होगा वगैरह वगैरह जिस साइट की आप वो करवाना चाहते हैं। मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा जो गूगल एडसेंस है ये यूट्यूब के साथ फुली, इसको बोलते हैं फुली अप्रूव्ड अकाउंट, यानी कि अब इस एडसेंस से मैं जिस वेबसाइट पे भी एड्स लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, चाहे वो साइट जो है वो गूगल एडसेंस ने अप्रूव किया है नहीं किया है वगैरह। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉग है, कोई भी साइट है, यहाँ के जो एड्स है, ये जो एड यूनिट्स मैं आपको बता रहा था, ये सारे मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ और वो सारी अर्निंग मुझे मिलेगी।
अगर मैं मिसाल दूं, मेरे भाई का एक वेबसाइट है जिसका मेरे एडसेंस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, मैं अपने भाई के वेबसाइट पे इस एड यूनिट्स में से, ये जो एड यूनिट है, कोई भी एड यूनिट का कोड कॉपी करके उसके साइट पे लगा दूंगा, एड वहां पे डिस्प्ले होगा, पैसे जो मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? आपके वेबसाइट पे भी मैं लगा दूं, लेकिन कीप इट इन माइंड, क्योंकि आप यहाँ पे एक रिस्क में होंगे, आपके भाई का, आपके फ्रेंड का, आपके ग्रुप का जो वेबसाइट है वहाँ पे हो सकता है कोई वायलेशन हो जाए, कुछ हो जाए, और अगर उस पे एडसेंस नाराज़ हो गया, फिर ये है कि आपके एडसेंस अकाउंट को सफ़र कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल वाइल शेयरिंग योर गूगल एडसेंस कोड। पैसे तो आपको शुरू में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपके साइट रिस्क पे, हाँ अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, जेन्युइन कंटेंट है, कोई वायलेशन नहीं है, देन आप अपने वहाँ पे लगा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका एक साइट एडसेंस पे अप्रूव्ड है तो बाकी साइट्स को बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से, अगर आपका फुली अप्रूव्ड अकाउंट है, आप यहाँ से जाके वहाँ पे सिर्फ कोड शेयर करेंगे। रही बात अदर प्रोडक्ट्स में गेम्स की, ये बेसिकली है गेमर्स के लिए, जिनका गेमिंग चैनल है, गेमिंग वगैरह है, अगर आपका है तो आप यहाँ से अप्लाई एडसेंस फॉर गेम कर सकते हैं। अगर आपका वीडियोज़ टाइप कोई साइट है तो आप यहाँ पे अप्लाई एडसेंस फॉर वीडियो करते हैं, यानी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे वीडियोज़ हो, वहाँ पे आप ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडमॉब पे। एडमॉब नाम से ही जाहिर है कि ये जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उसके लिए ये खासकर बनाया हुआ है। मेरा एक दो मोबाइल ऐप है, उसको मैंने अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं करवाया, तो दैट्स वाई आपको ब्लैंक नज़र आ रहे हैं। नहीं तो आपको एडमॉब अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ से जो मोबाइल ऐप्स है वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, फिर मोबाइल ऐप्स का आपको पता है कि वहाँ पे भी आपको एड्स नज़र आते हैं, तो वो भी आपकी अर्निंग यहाँ पे आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाएगी। तो एडमॉब, एड्स फॉर मोबाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स फॉर सर्च की। ये भी एक न्यू फीचर आया हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैंने इस एडसेंस पे, आप देख सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या चीज़। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये गूगल सर्च है, गूगल सर्च में मैं एक कीवर्ड ट्राई करता हूँ, पिफरा। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, यूअर साइट ऑन गूगल, ये मेरे एक वेबसाइट पर, इस पर ये जो टर्म है, कीवर्ड है पिफरा, इस पर आप देख सकते हैं कि टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं, इम्प्रेशंस कितने हैं, और एवरेज पोजीशन इसकी कितनी है, ठीक है, इसकी पोजीशन अप हुई है, इम्प्रेशंस कम हुए हैं और क्लिक्स ज़्यादा हुए हैं, 125% ज़्यादा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये पिफरा आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि 10th पोजीशन पर है, तो ये फर्स्ट पेज में आपको नज़र नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट पेज में, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक टर्म की, इसमें आपको ये नज़र आना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड एक टर्म है, देख सकते हैं, इसी TechUrdu.net पे आपको नज़र आ रही है। तो ये एक आपको ओवरऑल एक व्यू पता चल रहा था कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जिसका ताल्लुक आपके वेबसाइट्स पे, उसका क्या ताल्लुक है और क्या आपको मिल रहा है स्टेटस। नाउ पुटिंग दिस ऑल सिनेरियो इन दिस पोजीशन, यहाँ पे हम एक कस्टम सर्च इंजन बनाते हैं, ठीक है, उसको कोई आप नाम देंगे, कोई यूनिक सा नाम देंगे, ताकि आप जब सर्च करेंगे गूगल में तो अब आपको एक यूनिक सा नाम होना चाहिए, कोई भी आप नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम देता हूँ TechUrdu Ad। उसके बाद कहाँ पे होना चाहिए, आप पूरे इंटायर वेब को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ख़ास पर्टिकुलर साइट से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल वगैरह, आप पूरे इंटायर वेब को छोड़ दें। यहाँ पे कीवर्ड उसके लिए लिखेंगे, कीवर्ड वही TechUrdu होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, जो भी है। सेफ सर्च को आप इनेबल करेंगे, सेफ सर्च का मतलब ये है कि इसमें कोई उल्टा सीधा कॉन्टेंट, सेक्सुअल कॉन्टेंट इस तरह नहीं होगा, डायरेक्ट प्योर कॉन्टेंट आपको नजर आएगा। साइट लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद कस्टम चैनल पे आएंगे, चैनल जो है आपका, जिसका उससे ताल्लुक है, उस कस्टम चैनल को ऐड करेंगे, यानी कि ये जो ऐड है या ये जो आपके पास कस्टम सर्च इंजन बना रहे हैं, ये किस साइट से इसका ताल्लुक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स आपके यहाँ पे आएंगे कि ऑन अ गूगल पेज इन द सेम विंडो, या फिर न्यू विंडो में, या ऑन वेबसाइट, जहाँ पे आप देखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये मैं आपको दिखा जो रहा था पिफरा वाला, तो ये ऑन सेम पेज आपको नज़र आ रहा है। अगर आप सेपरेट अलग करेंगे तो एक न्यू विंडो में आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। या आप अपने वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि गूगल की रैंकिंग किस तरह जा रही है। बाकी कुछ URLs अगर आप देना चाहें, ठीक है, लोगो इमेज URL है, डेस्टिनेशन URL है, लोगो पोजीशन वगैरह वगैरह, अगर आप अपने साइट पे देना चाहते हैं उसको, जो YouTube का सर्च रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको करेंगे सेव एंड गेट कोड करेंगे। ये जो कोड है, ये कोड आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने साइट पे किसी भी सूटेबल पोजीशन पे लगाएंगे।
फॉर एग्जांपल आप अपने साइड पे टॉप पे लगा सकते हैं, बॉटम पे लगा सकते हैं, किसी भी जगह लगा सकते हैं। तो फिर ये है कि आपको ये एक स्टैटिस्टिक्स टाइप नज़र आएंगे कि भाई ये जो आपके जो कस्टम आपने जो बनाया है कि ये इम्प्रूव हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वगैरह वगैरह। इसकी एक और अगर आपको मैं मिसाल दूँ, एलेक्सा रैंकिंग एक साइट है, ठीक है, एलेक्सा रैंकिंग, उसमें फिर ये है कि आप अपने साइट जो है एलेक्सा रैंकिंग पे, उसमें आप अपने साइट को देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्या स्टेटस है इसका। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने एक साइट का नाम लिखता हूँ TechUrdu.net। लास्ट टाइम मैंने इसको चेक किया था, उसकी जो पाकिस्तान में पोजीशन थी 25,000वीं पोजीशन थी, रिमेंबर दैट। अभी मैंने रिसेंट चेक नहीं किया है। TechUrdu.net 25,000 पोजीशन पे थी, अभी देखेंगे कौन सी पोजीशन पे आई है। 17,000 पोजीशन पे आई है। आई विश 17 पे होती तो बहरहाल ये इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी रैंकिंग इसकी ज़्यादा हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग है, व्यूज़ इसके कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। बाउंस रेट्स का कितना है, 16% कम हुआ है। बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये 65% है, अगर ये 30% कम हो गए देन आपका एक बेस्ट वेबसाइट है। इसी तरह एक व्यूअर कितना टाइम आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, और ये है डेली टाइम वगैरह जो एवरेज है आपको। कीवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट कौन से नज़र आ रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आपको उसमें भी नज़र आते हैं, गूगल एनालिटिक्स में भी नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती है कि कम हो रही है, ज़्यादा हो रही, क्या वगैरह। तो आप इस तरह की एक चीज़ अपनी वेबसाइट पर बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से हेयर। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टम चैनल्स की। कस्टम चैनल आप यू कहें एक वेबसाइट टाइप एक चीज़ होती है, ये भी आप इसी तरह ऐड करेंगे, जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी है, इस तरह ऐड करके आप उसके फिर यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन आईडी है, जो भी है। आप जब डिटेल देखेंगे तो उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि वो इम्प्रूव हो रहा है, कम हो रहा है, क्या है, क्या नहीं, चीज़ें नहीं है, उसके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कस्टम चैनल के। कस्टम आप एक रिपोर्ट आपके लिए आप वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे था एड फॉर सर्च में मैं बात कर रहा था आपसे। उसके बाद हम बात करते हैं साइट्स की। साइट्स में हमारे पास पहले ऑप्शन आता है ओवरव्यू का। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे आपको बता रहा था कि जो आप देख सकते थे ना, वो साइट्स जिनके ऊपर आप अपने एड्स लगा सकते थे। बाज़ोकात ये होता है कि आपके एड्स को कोई उठा के, खासकर हम जैसे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, बाज़ोकात हम अपना कोड भी डिस्प्ले करते, तो कोई ऐसा होता है जो आपको एंटी आपका होता है, वो आपके चाहता है कि आपका एडसेंस बंद हो जाए। वो क्या करता है, आपके साइट से किसी तरीके से वो, या किसी ट्यूटोरियल से, किसी वीडियो से आपका एड कोड कॉपी करता है। फिर मुख्तलिफ ऐसे उल्टे सीधे साइट्स होते हैं जहाँ पे एडसेंस पॉलिसी वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे कोई फॉर्न साइट हो गया, कोई इस तरह का उल्टा सीधा साइट हो गया, या ऐसा साइट जहाँ पे टोटल कॉपीराइटेड कंटेंट है, दो नंबर है, वहाँ पे आपके एड कोड डिस्प्ले करता है। शुरू में थोड़े से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप हैरान हो जाते हैं कि आपका साइट या एडसेंस कैसे बंद हो गया। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड मुझसे वो बात कर रहे थे, किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे वो कमेंट्स कर रहे थे कि भाई उसका साइट्स अचानक से बंद हो गया। हालांकि मैंने उसके साइट्स देखे थे, अच्छे साइट्स थे, तो वो जो बंदा अगर वो वीडियो देख रहा है वो मेरी बात समझ भी रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से हो सके, कि जिसमें से एक स्टेप ये साइट्स में ओवरव्यू। यहाँ पे जो आपके साइट्स की लिस्ट है वो सारे आपको नजर आएंगे जहाँ पे आपके साइट्स के एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आप कोई साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन रेडी का है। रेडी मतलब ये है कि ये साइट एलिजिबल है जहाँ पे अपने आप एड डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा साइट, फॉर एग्जांपल जो आपका अपना साइट नहीं है, चाहे वो ब्लॉगर पे है, चाहे वो वेबसाइट पे है, तो फिर आप यहाँ से उस साइट को क्या करेंगे, उसको डिसेबल कर देंगे। ये ऑप्शन देख रहे हैं रिमूव का है। अगर आपका साइट नहीं, फॉर एग्जांपल xyz.com है, आप देख सकते हैं यार ये तो मेरा साइट ही नहीं है, फिर ये लिस्ट में क्यों है, तो फौरन से आप इसको रिमूव करेंगे। अगर डिटेल्स देखना चाहे तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। अगर आपका कोई साइट है जो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नहीं है कि यार यहाँ पे तो मेरा साइट है ही नहीं, तो आप सिंपल यहाँ से इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब वो रेडी हो जाए तब उस पर अपने ऐड को डिस्प्ले करेंगे। जैसे मैं आपको पिछले स्टेप्स में बता रहा था ना URLs का, इसी तरह ये एक न्यू फीचर है। यहाँ पे अपने आपके सारे साइट्स जहाँ पे आपके एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू चेक इट ऑन रेगुलर बेसिस। मैच कंटेंट, इसके ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ये एडसेंस का एक न्यू फीचर है जो मैं आपको पहले वीडियो में भी दिखा रहा था, जिसमें यह है कि एक इंटरेक्टिव तरीके से, ये देख रहे हैं इंटरेक्टिव तरीके से आपके ऑडियंस तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेज रहा है,
कुछ बार के एड्स है, जैसे ये बार का है, ये बार का है, और ये शायद नहीं बल्कि ये तीन बार के, और कुछ आपके अपने साइट्स के रिजल्ट्स है जो दिखा देगा, जैसे ये मेरे साइट का है, ऑटो ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग करते व्यूअर जो होता है, यहाँ अगर इन पे क्लिक करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, इन पे क्लिक करेगा तो आपको मोर व्यूज़ मिलेंगे, वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा आपकी साइट पे, और बाउंस रेट कम होगा, इस तरह से आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये जो है इसको कहते हैं मैच्ड कॉन्टेंट। होता क्या है मैच्ड कॉन्टेंट, ये आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, ये गूगल खुद आपको करके देगा कि भाई आपके ये 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 साइट्स हैं, ये मैच्ड कंटेंट के लिए इनेबल हो चुके हैं, आप अभी इन पे मैच्ड कंटेंट कोड लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। काइंडली मेरी वीडियो है मैच्ड कंटेंट पे, पूरा मैंने प्रोसीजर बता दी, वो चेक करें आप। ओके, ब्लॉकिंग कंट्रोल, ये एडसेंस का एक न्यू फीचर आया हुआ है। इसमें ये होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल में अब आप अपनी मर्जी से भी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई कौन से साइट्स पे आपके एड्स होने चाहिए, आपके साइट्स पे किस टाइप के एड्स होने चाहिए, किस टाइप के एड्स नहीं होने चाहिए, कौन से टाइप के एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले ना हो। फॉर एग्जांपल आपका एक एजुकेशनल साइट है, मेरा ये टैक्स से रिलेटेड साइट है, आपका एजुकेशनल साइट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसे उल्टे सीधे एड्स आपको नज़र आ रहे हैं, कोई रिलीजियस साइट है आप देख रहे हैं कि कोई उल्टे सीधे एड्स है, कोई मतलब इस तरह के ऐसे तस्वीरें हैं या ऐसे वीडियोस हैं जो आपके साइट पे नहीं होने चाहिए, यू कैन कंट्रोल ऑल दीज। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, देख सकते हैं ये मेरे साइट पे एड्स डिस्प्ले हो चुके हैं, आगे जाएंगे आप देखते जाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई उल्टा सीधा ऐड आपको नज़र आता है तो आप सिंपल यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्लॉक करेंगे। तो ये ऐड, फॉर एग्जांपल ये एक ऐड आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन मेडिसिनल पॉइंट्स ऑफ व्यू से ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये ऐड मेरे उस पर नज़र ना आए, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको ब्लॉक करूँगा तो ये ऐड मेरे साइट पे नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस ने आपको फ्रीडम दिया है कि किस टाइप का ऐड आपको डिस्प्ले होना चाहिए, आप उससे रिलेटेड एड्स भी देख सकते हैं और उनको इनेबल कर सकते हैं। रिव्यूड में जो जिन एड्स को आपने चेक किया है ताकि बार बार आपको ज़रूरत ना पड़े वो लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाएगी, और जो एड्स आपने ब्लॉक किए हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे कि भाई ये एड्स आपने ब्लॉक किए हैं, आप दोबारा से इनेबल इसको कर सकते हैं। बाकी ये है कि फिर एड मॉप वगैरह, सर्च वगैरह या यूट्यूब होस्ट वगैरह, ये सारे इसी से रिलेटेड होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं। एड मॉप मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मोबाइल एड्स होते हैं, जो मोबाइल ऐप होता है वहाँ पर भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट्स की। अभी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे गूगल एडसेंस की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट्स, अभी रिपोर्ट्स बहुत ही बेहतर तरीके से और बेस्ट तरीके से आपको नज़र आएंगे। अब ये आपको बता रहा है लास्ट 7 days का कि अर्निंग कितनी है, पेज व्यूज कितने हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, RPM आपका कितना है, ठीक है। RPM मतलब रेवेन्यू पर माइल, 1000 जो आपके पास व्यूज़ होते हैं उन पर आपको कितनी रेवेन्यू मिल रही है। इम्प्रेशंस पे है, ये इम्प्रेशन यानी कि 1000 इम्प्रेशंस पे कितना है, व्यूएबल एक्टिव जितना भी है वो कितना है। यहाँ पे फिर आप अलग से इनको क्लिक करें, फॉर एग्जांपल क्लिक्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक्स को देखेंगे, व्यूज़ है, एक्टिव व्यूज़ है वगैरह। फिर इसमें मज़ीद आपको देख रहे बता रहे कि अर्निंग कितनी है, इंप्रेशंस कितने हैं, CTR कितना है आपका, CPC जो लोग कहते हैं कि एक क्लिक पे कितने पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवरेज आपको बता रहे। डिटेल करने के लिए आप स्क्रॉल करेंगे, अभी देखिए CPC 4 भी हुआ है, CPC 1 भी हुआ है, इस तरह ये आपको 7 दिनों का बता रहा है कि CPC आपका एवरेज कितना रहा है, ठीक है। बड़ी डिटेल में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये तो एक स्क्रीन में राइट साइड पे बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सारे सेटिंग्स साइट वाइज देख सकते हैं, कंटेंट प्लेटफॉर्म, कंट्रीज़, एड यूनिट्स वगैरह वगैरह। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि USA टॉप पे है क्योंकि उसका CPC सबसे ज़्यादा होता है, ये देखिए ये USA है, ठीक है, और ये USA पे हालांकि 12 क्लिक्स पे $4 मिले हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आप देखिए 51 क्लिक्स पे जस्ट $2 मिले हैं, इसी तरह ये UK है वगैरह वगैरह, सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पे। बाकी आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बड़ी डिटेल में आप अपने सारे एडसेंस को देख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ एडसेंस पे अर्निंग देखते हैं, बाकी नीचे देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी मैं कुछ फीचर्स आपको आगे बता दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे एडसेंस में इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं। तो ये एक आपको ओवरव्यू बताता है कि आपके डिटेल्स रिपोर्ट्स क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, ऑप्टिमाइजेशन। ये फीचर मुझे बहुत पसंद है और उसमें एक दो नए चीज़ें आए हैं जो कि कल परसों में शायद इंट्रोड्यूस हुए हैं।
अब यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ का है, एक्सपेरिमेंट्स का है और लैब्स का है। ये लैब्स जो है ये न्यू इंट्रोड्यूस्ड चीज़ है। अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ में जो जो एडसेंस में नए एक्टिविटीज़ होते हैं जिनकी वजह से आपकी अर्निंग इंक्रीज़ हो सकती है, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में मिलते हैं। इस टैब को आप ज़रूर चेक करें। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में जो ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स में एड साइज़ है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। उसमें ये कहता है कि जब मैंने इसको ओपन किया था तो मेरा यहाँ पे डोंट ऑप्टिमाइज था, हो सकता है आपका भी हो। यहाँ पे ये अभी इस एक्सपेरिमेंट में या इस ऑप्टिमाइजेशन में वो ये कह रहे हैं कि आपके जितने भी एड्स हैं, जितने भी है, जिस साइज़ के भी है, अब यहाँ पे ये कुछ एड्स होते हैं बड़े होते हैं, कुछ छोटे साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जैसे इसके और इसके साइज़ में आप देख रहे हैं फ़र्क है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जब आप इसको 100% ऑप्टिमाइज़ पे रखते हैं तो आपके जितने भी एड्स है जिस साइज़ के भी है वो मोबाइल फ्रेंडली होंगे। अगर वो पहले से रिस्पॉन्सिव हैं वो तो ऑलरेडी ओ रहे हैं, लेकिन बाज ऐसे एड्स होते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं, बैनर्स वगैरह होते हैं इस तरह, जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे से जब आप करेंगे तो गूगल विल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज ऑल योर टेक्स्ट एंड डिस्प्ले पेज व्यूज टू हैव द बेस्ट एड यूनिट साइजेज। यहाँ पे आप करेंगे तो 50% ऑप्टिमाइज होंगे और यहाँ पे करेंगे तो जो जैसे है वैसे ही रहेगा। और न सिर्फ ये मोबाइल के लिए है बल्कि ये कि जो आपके टैबलेट्स होते हैं या इवन आपके लैपटॉप में होते हैं वहाँ पे भी ये अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट करेगा, यानी कि तमाम जो आपके एड साइजेस होंगे वो ऑप्टिमाइज्ड होंगे एज रिस्पॉन्सिव एड्स। उसके बाद यहाँ पे फिर आप चेक करेंगे, अगर आपको रिस्पॉन्स सही मिलता है, आपकी अर्निंग ठीक होती है, सही है, अदरवाइज आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यानी कि डोंट ऑप्टिमाइज पे आके जो आपकी प्रेजेंट स्टेटस है उस पर आप रह सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है अगर आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को विजिट नहीं किया तो आपको 3-4 और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये रिसेंट इसका एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन चल रहा है। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, वीडियोज़ है और कुछ आर्टिकल्स है। एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स ये है कि आप मुख्तलिफ एड साइज़ के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसी पोजीशन में हैं या आपकी पोजीशन डाउन हो रही है। अब जैसे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक एक्सपेरिमेंट मेरा ये था एड बैलेंस का था, कम्प्लीट हो गया था और यहाँ पे समरीज का ये है। इसके बाद हमारे पास मैं एक और एक्सपेरिमेंट ये है मेरा और ये भी डन हो गया है। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ साइज़ के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, मुख्तलिफ टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि टेक्स्ट पे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, पिक्चर पे मिलता है, दोनों को मिला के मिलता है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे जब आप इसको इनेबल करेंगे तो गूगल आपकी तरफ से खुद एक्सपेरिमेंट्स करेगा बेस्ड ऑन योर ट्रैफिक। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन है, अगर आपने इनेबल किया तो यहाँ पे जो अगर ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट्स है वो यहाँ पे रन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहे इससे आपको पता चलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकिंग कंट्रोल से भी रिलेटेड कर सकते हैं और एड बैलेंस के भी कर सकते हैं। मैंने दोनों के एक्सपेरिमेंट्स करके चेक किए हैं। बात करते हैं लैब्स की, ये एक न्यू फीचर है। लैब्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑटो एड्स इनेबल नहीं किए हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑटो एड्स जो कि अपनी मर्ज़ी से आपको एड्स नज़र आते हैं, अगर आपने ऑटो एड इनेबल नहीं किए हैं तब आपको लैब का ऑप्शन जो है वो ज़रूर इनेबल करना चाहिए। अब यहाँ पे ये कहता है कि दिस लैब ऑटोमेटिकली पुट्स एड्स ऑन ऑल योर पेजेस दैट करंटली डोंट हैव द ऑटो एड्स कोड एट द टॉप ऑफ द पेज, दिस लेट्स यू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट ऑटो एड्स कैन हैव ऑन योर रेवेन्यू। यहाँ पे ये जो टॉप ऑफ द पेज है, यहाँ पे ये क्या करता है आपके लिए ऐड रखता है। मोबाइल पे तो बिल्कुल टॉप पे नज़र आता है ये। अभी वैसे तो ऑटो एड्स में ही है कि वो हर पोस्ट में हर जगह पे, फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये है कि जो इसका जो टॉप होता है यहाँ पे या फिर पोस्ट के टॉप पे, फिर ये है कि वो आपको एक ऐड शो करता है लैब्स की तरफ से। ज़रूरी नहीं कि सब पे शो करे, लेकिन ये है कि वो करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, 50% ट्रैफिक पे करता है। अगर आप यहाँ से जो ये गेट कोड का ऑप्शन है इसको इनेबल करेंगे तो 50% पे शो करेगा। अगर आप यहाँ से गेट कोड का ऑप्शन है ये कोड आप उठाएंगे और जो नॉर्मल तरीका होता है आप हेडर में जाएंगे, हेडर में जाने के बाद इसको पेस्ट करेंगे तो फिर आपके जो 100% ट्रैफिक है वहाँ पे फिर ये लैब एक्सपेरिमेंट होंगे। मैंने 50% पे इनेबल किया हुआ है, देखता हूँ कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है तो फिर मैं इसको 100% पे करूँगा। 50% का मतलब ये है कि अभी इसमें आप देखें यहाँ पे ऐड आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 50% व्यूअर्स को नज़र आएगा, 50% को नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, या फिर ये जो मेनू है इसके फ़ौरन नीचे या फिर इसके ऊपर, यहाँ पे 50% को मैंने इनेबल किया हुआ है।
तो अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर मैं कोड ये गेट करके मैं इसको वहाँ पे डाल दूंगा तो 100% पे मेरा हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट है, इसको भी यहाँ पे आपने चेक करना है और ये लैब्स को भी चेक करना है क्योंकि यहाँ पे ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ये फ़िलहाल ये पहला एक्सपेरिमेंट जो ये लोग रन कर रहे हैं, तो इसका अभी तक मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इससे रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है नहीं होता, क्योंकि फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंट रनिंग फेज़ में है। बाकी आखिरी ऑप्शन आपके पास आता है पेमेंट्स का। पेमेंट्स में ये होता है एडसेंस का, अगर आपको पता है कि जब आपके $10 हो जाते हैं तो एडसेंस आपको कोड भेजती है। कोड भेजने के बाद ये है कि उसमें फिर आपको पिन है, पिन टाइप है, वो आपको भेज देती है। ठीक है, पिन में आपको ऐड करना होता है। यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर ये है कि $10 के बाद फिर आप अपने बैंक डिटेल्स भी देंगे। बैंक डिटेल्स देने के बाद फिर ये है जब आप 100 पे पहुंचेंगे तो तब आपको एडसेंस अर्निंग देती है। हर दफ़ा आपको 100 पे पहुंचना ज़रूरी है। अक्सर मुझसे लोगों ने पूछा कि पहली दफ़ा हम 100 पे पहुंचे तो क्या हमें बार बार 100 को पहुंचना पड़ता है? जी, जब तक आप 100 से नीचे हैं उस वक्त उस महीने की आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग पिन, ये मुझसे कमेंट्स में भी ने पूछा था फ्रेंड ने कि पिन इसको 3 दफ़ा नहीं मिला है फिर उसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको 3 दफ़ा पिन नहीं मिलता, मेरे साथ भी एग्जैक्टली हुआ, क्वेटा का मैंने एड्रेस दिया था, 3 दफ़ा एडसेंस ने मुझे पिन भेजा था, 3 दफ़ा मुझे नहीं मिला था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। फिर एडसेंस में एक ऑप्शन आता है कि आप अपने आप को वेरीफाई करते हैं शनाख्ती कार्ड, जिसको CNIC कहते हैं। इंडिया में एक कार्ड होता है आधार कार्ड कहते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो हर जगह सेम होता है। आप इन तीनों से या फिर ये है कि कोई बिल वगैरह आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, चूंकि उसके वेरीफिकेशन में उर्दू एक लैंग्वेज है, हिंदी भी है उर्दू भी है, तो हम लोगों के पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड उर्दू लैंग्वेज में होते, तो फिर मैंने अपने आप को शनाख्ती कार्ड से, अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से अपने आप को वेरीफाई करवाया था। जब आप करवा देंगे तो वो आपका हो जाएगा, वेरीफिकेशन आपकी हो जाएगी। मैं बड़ा डाउट में था, बट दैट हैपन्ड। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो भी बना लूँ। तो वो हो गया, उसके बाद अभी मेरी हर महीने की अर्निंग पहुँच रही है। अर्निंग ये है कि आप अपने बैंक के साथ उसको लिंक करेंगे, बैंक के साथ आप लिंक करेंगे तो IBAN स्विफ्ट कोड वगैरह, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिंक करना होता है चीज़ों को, एंड फाइनली फिर आपको हर महीने अर्निंग आएगी। अर्निंग जो होती है वो हर महीने आपको 21 तारीख को आती है। महीने की जब 21 तारीख हो गई तो आपको उस महीने की अर्निंग मिलेगी। अब इस एडसेंस अकाउंट पे $66 पहुंचे, ठीक है, आज है 23rd January है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यूट्यूब और एडसेंस की अर्निंग, अगर आपने दोनों को लिंक किया हुआ है तो आपको एक पॉइंट समझना ज़रूरी है कि अगर आपके फ़र्ज़ करें आपकी यूट्यूब से अर्निंग आ रही है $30 और आपकी जो ब्लॉग है उससे अर्निंग आ रही है $70, या फिर इस केस में आपको बता दूं यहाँ पे आप देखिए $66 है, ठीक है, आप यूँ समझे कि $66 ब्लॉग की है और बाकी जो है $34 आपकी यूट्यूब की है। जब ये 100 बनेंगे तो ये होगा कि यूट्यूब फिर अपने जो अर्निंग्स है, यूट्यूब की सेपरेट अर्निंग्स है, वो आपको यहाँ पे ऐड होंगे। अभी ये जो अर्निंग नज़र आ रही है या शुरू में मैंने दिखा दिया था अर्निंग है, वो सिर्फ आपके ब्लॉग्स की है, यूट्यूब की अर्निंग नहीं है। यूट्यूब की अर्निंग आपको यूट्यूब की एनालिटिक्स में नज़र आएंगे, जो कि यूट्यूब का अपना एक सिस्टम होता है। जब आपके 15 तारीख को एडसेंस और यूट्यूब मिल के देखेंगे कि यार दोनों की अर्निंग को मिला के 100 से क्रॉस हो रहे, थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो रहे, तब YouTube अपनी अर्निंग यहाँ पे सेंड करेगा। अगर वो देखेंगे कि भाई YouTube की अर्निंग को मिला के ये 100 नहीं बन रहे, तो YouTube अपनी अर्निंग रखेगा, फिर अगले महीने वो 2 महीने की अर्निंग्स को मिला के आपके 100 को पूरा करेंगे। और ये 15 तारीख को होता है, YouTube अपनी अर्निंग 15 के बाद नहीं भेजता, आप बेशक आप उस टाइम पहुँच भी जाए। और 21 तारीख को आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में शिफ्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन के वो क्या होता है कि अब मेरी जो है 23 जनवरी है, मेरे दूसरे अकाउंट की अर्निंग जो ईमेल पे आपको मिलता है, ईमेल आती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी अर्निंग आ चुकी है। तो 23 तारीख को आज मैंने चेक किया था तो मेरी जो दूसरे अकाउंट की अर्निंग है वो मुझे पहुंच चुकी थी। इस महीने के कंप्लीट नहीं हो रहे क्योंकि 66 है, ये है यूट्यूब के, यूट्यूब इसके साथ कोई बड़ा चैनल लिंक्ड नहीं है, इस वजह से ये शायद पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये हो जाते तो फिर ये क्या करता, भेज देता। ये मेरे ब्लॉगर के साथ ही ये आईडी मेरी लिंक है। उससे पहले आप देखिए $141.79 बने थे, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 20,000 के करीब बने थे। तो ये तकरीबन इसमें ये है कि एक महीने आ रहे हैं, एक महीने नहीं आ रहे, कुछ तरह का सिस्टम है, बाजू का हर दूसरे महीने भी आ रहा है, तो इस महीने ये कम्प्लीट नहीं हो सके हैं। तो ये कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। बाकी ये अकाउंट से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी पब्लिशर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये तो एक प्राइवेट चीज़ होती है जो कि किसी को आपने दिखाना नहीं होता है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एडसेंस जो है 68%
जो रेवेन्यू है वो आपको देती है, बाकी अपने लिए रखती है 32% अपने लिए। फिर नीचे उसके आते हैं पर्सनल सेटिंग आ जाती है, ये भी हर बंदे का अलग से सेटिंग होता है, तो ये भी उसी तरह नाम है, डिटेल है वगैरह वगैरह है। पॉलिसी सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अगर आपकी कोई वायलेशंस है ये ज़रूर चेक करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एडसेंस के कोई रूल्स वायलेटेड किया, हमारा एडसेंस बंद हो गया, ये है वो है, यहाँ पे आप चेक करें अगर आपकी कोई पॉलिसी वायलेशंस है तो एडसेंस यहाँ पे आपको बता देगी कि भाई आपने ये वायलेट किया है, ये वायलेट किया, आपको वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे देखिए कीप अप द गुड वर्क, यू हैव नो पॉलिसी वायलेशंस। एंड एक्सेस एंड अथोराइजेशन की बात करें, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हूँ, आप इनमें अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक आपके लिए एडमिनिस्ट के तौर पे। क्रॉलर एक्सेस, अगर आपने गूगल वेब मास्टर की मेरी पिछले वीडियो देखी है जिसको गूगल एनालिटिक्स भी कहते हैं, अगर वहाँ पे आपने साइट मैप वगैरह सबमिट किया है अपने साइट्स वगैरह का, तो यहाँ पे उस चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और वैसे भी यहाँ पे आपको उसके साथ लिंक करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपने कर दिया तो यहाँ पे इस जंजाल में आप नहीं पड़ेंगे। थर्ड पार्टी एक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पे फिर आपको पता है पार्टीज़ में आपके पास एक होते हैं होस्टेड होता है, एक होता है नॉन होस्टेड, उसमें दोनों दिखा देता है, ब्लॉगर हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ ये दिखा देते हैं। गूगल एनालिटिक इंटीग्रेशन, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के साथ जब अपने एडसेंस को लिंक करते हैं तो पब्लिशर आईडी आपको मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके मुख्तलिफ आईडीज़ है, तीन चैनल्स इसमें लिंक है, तीनों के आईडीज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनको एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स के साथ अपने आप को लिंक भी कर सकते हैं। एड मॉब अकाउंट है ये, जो एड मोबाइल का है, सिंपल ये उसी का अकाउंट है। तो बात करते हैं स्टेटस की, क्रॉलर एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें ये है कि आपके जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं उस पर कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो कि क्रॉल नहीं होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि वो कौन से पेजेस हैं, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि वो कौन से पेजेस है जो क्रॉल नहीं हो रहे। क्रॉल ना होने का मतलब ये है कि गूगल एडसेंस की तरफ से उन पे एड्स डिस्प्ले नहीं होंगे, चाहे उन पे जितना भी ट्रैफिक आता है। आप देखते हो कि आपके पेजेस होते हैं वहाँ पे ब्लैंक एड्स होते हैं या बिल्कुल नज़र नहीं आते। अब मेरे आप देखिए, मेरा एक ब्लॉग है टेक उर्दू youtube.blogspot.com पे, यहाँ पे एक इशू है, उसको मैं अगर यहाँ पे प्लस को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एक लिंक है टेक उर्दू youtube.blogspot.com, ये एक सैमसंग गैलेक्सी 8 अंडर वाटर इस तरह का एक मैंने एक बनाया हुआ था, उसको अगर मैं ओपन करूँ, लेकिन आप देखिए ये कहता है कि पेज कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ पे अगर हम देखें इस एरर की डिटेल में जाएं तो ये एरर कहता है कि ये क्या एरर है, यहाँ पे वो पूरा आपको डिटेल बता देगा, ठीक है। और यूजुअली ये कहता है कि आप इसको जब विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा पेज है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते वगैरह, तो यहाँ पे फिर आपको काफ़ी डिटेल पता चल जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। पेज नॉट फाउंड है, 503 एरर है, 500 है, 403 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड मैसेजेस, अगर कोई मैसेज आपको आ जाता है तो फिर ये है कि वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपने देखने मैसेजेस। आमतौर पर यहाँ पे जो बेल आइकन है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस की फॉर्म में भी नज़र आते हैं, अगर आपसे मिस हो गया तो ये मैसेजेस में आपको नज़र आते हैं कि ये क्या है, ये दिसंबर का रिपोर्ट है, मेरा रेवेन्यू 21% डाउन हो गया है, बैड न्यूज़, लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो 25% अप हो गया, गुड जॉब, और यहाँ पे फिर से 4% डाउन, ये अप एंड डाउन तो चलता रहता है, आप टाइम देंगे तो अप है, टाइम नहीं देंगे तो डाउन है। यहाँ पे देखिए 32% जुलाई में इंक्रीज हो गया, गुड जॉब, और यहाँ पे 77% इंक्रीज हो गया, वेरी गुड। और दूसरी बात ये है कि ये जो बेल आइकन है, इससे मुझे याद आएगा कि वीडियो के नीचे भी एक बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद, वहाँ पे उसको ज़रूर आप दबाएं, क्योंकि मैं जैसे ही नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। ये हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे, और ऑब्वियसली यूट्यूबर्स ही हैं जो ये वीडियो देख रहे या ब्लॉगर्स हैं वो देख रहे, तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी करो और बेल भी दबा दो, शेयर तो कोई नहीं करता मुझे पता है। तो एनी हाउ, फीडबैक, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपको, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको फीडबैक पे जाना चाहिए, मतलब ये कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ भी है, एनीथिंग है, आप यहाँ पे उस पेज पे जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे कि भाई आपको मोनेटाइजेशन आपके इनेबल एड्स नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, आप अपने प्रॉब्लम लेंगे यहाँ से, इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, डन करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गई, अपना प्रॉब्लम लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे, तो वो खुद ही आपसे आपके ईमेल एड्रेस पे रब्ता करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल एडसेंस, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई आई एम श्योर, बट इट इज़ वर्थ योर टाइम।
स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कुछ है देन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यह है कि अगर आपका लो बैंडविड्थ वर्जन है तो शायद थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आए लेकिन चीज़ें मोर और लेस सेम नज़र आएंगे। तो स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। द कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं व्हाट्सएप नंबर दूँ। सो आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, मैं एक ही नंबर यूज़ करता हूँ। एक दो दफ़ा मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया था, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स हो गए थे क्योंकि बार बार मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब दूँ, मैसेंजर पे भी जवाब दूँ, फेसबुक पे भी जवाब दूँ, ग्रुप पे भी जवाब दूँ, तो यू नो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। अगर आपने नोट किया तो मैं कमेंट सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, ईच एंड एवरी कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। और ये है कि स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्क्रीनशॉट दिखाना होता है, देन मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आप मुझ पे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप इज़ ओनली फॉर माई फैमिली। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस के लिए आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाए। जैसे ही टेक उर्दू चैनल से कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। सो मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट techurdu.net।